उत्तराखंड के गांव नलोई के सामाजिक संस्था युवा जागृति क्लब नलोई द्वारा शॉल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अनीता खुराना ने शिरकत की। अनीता खुराना ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, जिसके माध्यम से अपना स्वयं रोजगार कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज किसी से भी कम नहीं है। सरकार भी महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनका महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद की महिला अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम लता ने अपने संबोधन में कहा है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आयोजित कार्यक्रम में गांव की 130 विधवा महिलाओं ने एवं गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों को शॉल वितरण किए गए। कार्यक्रम में महिलाओं को सेठ प्रयागचंद गोयल ट्रस्ट द्वारा रोग प्रतिरोधक दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की गई। क्लब के अध्यक्ष मनोज जागंडा कहा कि समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए क्लब द्वारा समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ये चिक्कियां हमारे मुंह पे चढ़ गई हैं परमानेंट। अगर इसको उतार के भी मेरी फोटो जा रही है ना चंडीगढ़, ये फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कहेंगे ये तो मैडम ने गलत रूल भी नहीं फॉलो किया, चिक्की नहीं लगा रखी थी, बोल कैसे रही है इतने। आज युवा जागृति क्लब नलोई द्वारा हमने जो हमारे गांव की विधवा महिलाएं हैं उनको 130 के आसपास शॉल वितरित किए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अनीता खुराना जी रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि युवा क्लब द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिले और समाज के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमने कार्यक्रम किया था कि विधवा जो हमारे गाँव की महिलाएं हैं उनको भी समाज के अंदर आगे आने का मौका मिल सके और उनका भी समाज के अंदर जो योगदान है वो अपना अदा कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज उनको हमने यहाँ पर बुलाया था और उन सबको आज शॉल वितरित किए गए हैं। और सेठ प्रयागचंद मेमोरियल ट्रस्ट जुप्पा द्वारा उनको रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ भी निःशुल्क रूप से आज़ाद जो अध्यापक हैं उनके आज़ाद जी हरिता उनके सहयोग से उपलब्ध करवाई गई हैं। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।